हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है पॉलिटेक्निक के मेरिट लिस्ट पे। ये मेरिट लिस्ट आया है लेटरल एंट्री का, जिनका कि एडमिशन डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में हो जाता है, मतलब कि सेकेंड ईयर में। तो ये उसी का मेरिट लिस्ट है एडमिशन के लिए, और ये मेरिट लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ये PDF, और ये टोटल 64 पेजेस का है। इसमें आप अपने रोल नंबर, नेम वगैरह देख सकते हैं, अगर जिनका भी काउंसलिंग के लिए नाम आ गया होगा इसमें तो, और अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। ये लेटरल एंट्री, जिनका भी मैथ्स से इंटर जो कर लेते हैं 12th, तो उन्हीं का होता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट, ये मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। और सेकेंड ज़रूरी बात है कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी आप देख लीजिए। एडमिशन के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के लिए, वो देख लें। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका मैट्रिक का मार्कशीट जो, और पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, जो 10th पास करने के 2-3 साल के बाद मिल जाती है, और ये CBSE वालों का नहीं होता है, सिर्फ ये स्टेट बोर्ड वाले को ही मिलता है। नेक्स्ट है SLC, या जिन्होंने 12th किया है तो उनका CLC कॉलेज का, ये दोनों चीज़ चाहिए, दोनों ओरिजिनल। और 12th का भी स्टेट बोर्ड वाले को ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलती है, जिसको कि पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आधार का जेरोक्स चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6 पीस, और ये जो भी फ़ोटो आप देंगे ये आपको हमेशा अपने फ्यूचर के लिए भी रखना है, ताकि जब भी ज़रूरी हो आप इसी फ़ोटो को दें। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये कोर्ट से बनती है, मात्र 100-200 रुपए में बन जाती है ये बहुत आसानी से। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप कोई भी डॉक्टर से, रजिस्टर्ड डॉक्टर से बनवा सकते हैं, यहाँ भी तो कुछ पैसे देके बन जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट है अलॉटमेंट लेटर, जो JCCB के द्वारा जारी की है, उसमें आपका नेम, रोल नंबर वगैरह होगा, आपको कौन सा ब्रांच वगैरह मिला है, वो सब कुछ लिखा होता है, तो ये चाहिए आपको। फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का, और ये तीनों में से किसी भी इस लेवल पे अगर आपका बना है CU, SDO, DC, तो वो चलेगा। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, ये भी CU, SDO या DC किन्हीं का भी बना हो तो चलेगा। और जिन्हें TFW सीट मिलेगा उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ये इनकम सर्टिफिकेट, बाकी किसी को नहीं देना है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, जो ST SC या OBC इन तीनों में से किसी कैटेगरी के हैं तो उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर इन तीनों में से किसी कैटेगरी से जिसका अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा चला गया है और वो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिन्होंने EWS से भरा है, और अगर उनका फिर सेलेक्शन अगर जनरल से हो जाता है तो फिर उन्हें भी नहीं चाहिए ये EWS, लेकिन अगर आपने इस कैटेगरी से भरा है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए अभी, टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स है, एक तो फ़ोटो है, तो इन सभी का कम से कम आपके पास 2-2 जेरोक्स कॉपी होना भी ज़रूरी है। एक तो कॉलेज में शायद सबमिट करवाया जाता है, 1 या 2, और एक आपको अपने पास रखना है। और जितने भी ये सब, तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे, और जब आप पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसलिए इन सभी का स्कैन कॉपी भी आप करके अपने मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ भी हो, रख लें पहले ही, और तभी आप कॉलेज जाएं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, जिन्हें भी बहुत ज़रूरत है इन सब का, जो भी स्टूडेंट है जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोग जब एडमिशन करवाने जाते हैं, उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाता है, छूट जाते हैं, इसलिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।